हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना, अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी, देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, नहीं तो हो सकता है कोई हादसा हो जाए। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल दिल्ली में सड़क धसना आम बात सी हो गई है। आए दिन पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं ये खबर आती रहती है कि इस इलाके में यहाँ सड़क धस गई। हालांकि अभी तक इस तरह के हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जिसके लिए खुद दिल्ली सरकार के विधायक भी भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं उसका उपाय नहीं कर पा रहे हैं। जब इस तरह की घटना होती है तो मौके पर तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारी और नेताजी लोग पहुंच जाते हैं और उस समय फौरी राहत और लीपापोती कर सड़क को चालू कर देते हैं, लेकिन परमानेंट जाम नहीं हो पाता। रात में जो सड़क धसी थी उसमें DTC बस फंस गई थी, जिसमें से यात्रियों ने कूद कर अपनी जान बचाई थी। आज फिर उसी सड़क अरविंदो रोड का हाल हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर दिन के समय आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी और कितनी चौड़ी सड़क धसी हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पर बैरिकेड लगा दिए हैं और कोई हादसा ना हो पाए जिसके लिए बैरिकेड लगाए हुए हैं, लेकिन इस समय संबंधित विभाग का कोई आदमी यहां नजर नहीं आ रहा। इसी सड़क पर आगे दिल्ली जल बोर्ड ने खोद रखा है। कुछ दिन पहले ही इस सड़क पर IIT फ्लाईओवर के नीचे सड़क धस गई, जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, एम्स से गुड़गांव मेहरौली को जाती है। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार हादसे होने का इंतजार करती है। हादसे हो जाने के बाद उसकी लीपापोती कर अपनी पीठ थपथपाने लगती है। तस्वीरें हम आपको अरविंदो मार्ग के दिखा रहे हैं, जहां पे कल रात तेज बारिश के कारण यह सड़क धस गई थी और उसमें DTC बस भी फंस गई थी, जिसके बाद यात्रियों ने कूद कर अपनी जान बचाई, मगर अभी भी इस सड़क को ठीक नहीं किया गया है। बस लीपापोती करके प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है और वो यात्री भी इस बात को नहीं भूले होंगे कि किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही की वजह से उन्होंने अपनी जान बस में से कूद के बचाई और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। और उस हादसे के बाद भी प्रशासन नहीं संभला, सिर्फ लीपापोती करके ही उस सड़क को छोड़ दिया।